दोस्तों आप तो जानते हैं कि एक तरफ कोरोना महामारी दुनिया भर में वैश्विक खतरा बनकर मंडरा रही है और ऐसे में दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 4 मई 2021 को हमारी धरती से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराने वाला है और हमारी धरती का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों क्या 4 मई 2021 हमारी धरती का आखिरी दिन है? क्या 4 मई 2021 को 2021 AF8 नाम का एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा और हमारी धरती से जीवन पूरी तरह से नष्ट कर देगा? क्या इस दुनिया से हम इंसानों का खात्मा हो जाएगा? क्या होने वाला है और उस एस्टेरॉयड की रफ्तार क्या है, कितना बड़ा है और कहां पर गिरेगा या नहीं गिरेगा, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि धरती की तरफ आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में घूम रही वो चट्टान होती है जो इस सौरमंडल के निर्माण के समय किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाई और यूं ही अकेले सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और दोस्तों आपको बता दें, हमारे सौरमंडल में एस्टेरॉयड बेल्ट में इनकी संख्या करोड़ों में है और इनका आकार एक एप्पल से आकार से लेकर कई किलोमीटर बड़े चौड़े लंबे चौड़े हो सकते हैं। और ये चट्टाने, ये एस्टेरॉयड अपने ऑर्बिट पीरियड के दौरान कभी कभी हमारी धरती के इतने नजदीक आ जाती है कि इनका हमारी धरती से टकराने का खतरा बढ़ जाता है और ये अपने ऑर्बिट के दौरान कभी कभी हमारी धरती से टकरा भी जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, जब से हमारी धरती अस्तित्व में आई है तब से न जाने अनगिनत एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा चुके हैं और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, भविष्य में कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती से नहीं टकराएगा, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों आपको बता दें, सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि हमारी धरती का अंत किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के टकराने से ही होगा। तो क्या 4 मई वही दिन है जो हमारी धरती का आखिरी दिन होने वाला है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कोई बाहरी ऑब्जेक्ट टकराने से हमारी धरती का अंत होगा? तो चलिए बात करते हैं 4 मई 2021 को आने वाले एस्टेरॉयड के बारे में। इस एस्टेरॉयड का नाम है 2021 AF8। दोस्तों इस एस्टेरॉयड की रफ्तार है 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों आपको बता दूं, मार्च महीने में ही इस एस्टेरॉयड को खोजा गया था, लेकिन तब से वैज्ञानिक परेशान है क्योंकि ये एस्टेरॉयड 4 मई 2021 को हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करने वाला है और ये हमारी धरती के बेहद ज्यादा ही नजदीक से गुजरने वाला है। दोस्तों 2021 में एफोफिस, सबसे तबाही का देवता कहा जाने वाला एफोफिस एस्टेरॉयड और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच कर चुके हैं, हमारी धरती के बेहद नजदीक से गुजर चुके हैं, लेकिन 4 मई को जो एस्टेरॉयड हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करने वाला है वो हमारी धरती के इतने करीब से होकर गुजरने वाला है कि हमारी धरती के सेफ्टी लाइन को भी क्रॉस कर देगा। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे आप आसमान में बिना किसी यंत्र के भी देख पाओगे, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि यह एस्टेरॉयड काफी नजदीक से गुजरने वाला है। लेकिन ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स इतना ज्यादा है कि किसी भी एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी धरती की सेफ्टी लाइन क्रॉस कर ले तो। और यही एक वजह है कि हमारे वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को लेकर परेशान है। और अगर ऐसा हुआ, 4 मई को 2021 AF8 एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया, तो हमारी धरती पर महाप्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर यह एस्टेरॉयड किसी समुद्र में गिरता है तो इतनी बड़ी बड़ी सुनामी लहरें उठेंगी कि यह हमारे बड़े बड़े शहरों को तबाह कर देगी। दोस्तों आपको बता दूं, आज से 6 करोड़ साल पहले ऐसा ही एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था जिसने हमारी धरती पर राज करने वाले बड़े बड़े डायनासोर का पूरी तरह से अंत कर दिया था। उस एस्टेरॉयड से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। क्या 4 मई को वही इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा? दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड की तुलना एक बड़े फुटबॉल मैदान से की है, यानी कि यह एस्टेरॉयड 500 मीटर जितना बड़ा हो सकता है और 500 मीटर जितना बड़ा एस्टेरॉयड एक बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें, वैज्ञानिकों के अनुसार 4 मई को आने वाले एस्टेरॉयड की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन अगर ये जैसे ही हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा, हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, तब इसकी रफ्तार बढ़कर कई गुना बढ़ जाएगी और इतनी तेज धमाके के साथ हमारी धरती से टकराएगा कि हमारी धरती पर 1000 TNT जितनी ऊर्जा पैदा होगी, यानी कि 100 परमाणु बम ब्लास्ट करने जितनी ऊर्जा, और इतनी ऊर्जा हमारी धरती पर से जीवन नष्ट करने के लिए काफी है। दोस्तों आपको याद होगा, आज से ठीक एक साल पहले 29 अप्रैल 2020 को 1998 OR2 एस्टेरॉयड से टकराते बची थी। वह एस्टेरॉयड बेहद नजदीक से हमारी धरती को ऑर्बिट को क्रॉस किया था। क्या 4 मई को यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा जाएगा या फिर OR2 की तरह हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो भी बात की वह सब सिर्फ एक काल्पनिक है। हमने सिर्फ एक कल्पना की कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए निश्चिंत रहे और एस्ट्रो से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर।